हेलो गाइस, अभी इंडिया में 5G की टेस्टिंग चल रही है और कुछ समय बाद 5G लॉन्च भी हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनीज 5G एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए काफ़ी वर्क कर रही है। ऐसे में अगर आप 5G सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक 5G डिवाइस यानी कि एक 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स हैं उनके प्राइसेस थोड़े हाई है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बेस्ट बजट 5G फोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये लिस्ट हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद रेडी किया है और जो भी स्मार्टफोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब 5G होने के साथ साथ आपको बजट में तो मिलेंगे ही, लेकिन इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। चाहे उनका कैमरा हो, डिस्प्ले हो या फिर जो प्रोसेसर है, वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए हम आपको इन फोन्स के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। हमारा पहला फोन आता है सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी F14 5G। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फोन है। इसमें आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट पर काम करता है। साथ ही साथ इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूल बैक कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 6000 mAh की बैटरी है जो कि 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलता है, आपको चार्जर अलग से परचेस करना पड़ेगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक्सोनस 1330 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अपडेट्स आपको 2 साल तक OS अपडेट मिलेंगे और 4 ईयर तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी सैमसंग की तरफ से। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जो कि आपको 14,490 का पड़ेगा, और एक है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि आपको 15,990 का पड़ेगा। ये जो भी प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े से फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऑफर्स में ये आपको थोड़े कम में भी मिल सकते हैं, बट ओवरऑल जो रेंज होगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 25G। दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ काम करता है। इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है जिससे कि आउटडोर में भी आप अपने फोन को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, आप गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं और इसके भी 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला जो कि आपको 11,499 का मिलेगा, और एक है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि आपको 13,499 का मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है Redmi की तरफ से, Redmi 11 Prime 5G। दोस्तों इस फोन में आपको 6.58 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगा। इसमें आपको 15 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर मिलता है और इसमें 7 5G बैंड्स भी हैं। इसके यहाँ पे 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है, एक 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाला जो कि आपको 13,999 का मिलेगा, और एक है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि आपको 15,999 का मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 55G। दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगा। इसमें आपको बैक साइड में 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वाट डार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर दिया गया है और ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, आप गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाला जो कि आपको 14,999 का मिलेगा, और एक है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि आपको 70,999 का मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 5G। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है। दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ज डायनेमिक रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूल बैक कैमरा मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वाट पावर चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर मिल जाता है।
इसके भी दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला जो कि आपको 13,999 का मिलेगा, और एक वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जो कि आपको 15,999 का मिलेगा। नेक्स्ट आता है iQOO की तरफ से iQOO Z6 Lite 5G। दोस्तों इस फोन में आपको 6.6 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगा। इसमें आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, एक 50 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1, यानी गेमिंग के लिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी आपको दो वेरियंट्स मिल जाते हैं, एक 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ जो कि आपको 13,999 का पड़ेगा, और एक वेरियंट है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जो कि आपको 15,999 का मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G62 5G। दोस्तों इस फोन में आपको 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगा। इसके बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि 20 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें कॉर्कुलम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दिया गया है। ये ट्रू 5G फोन है जिसमें आपको 12 5G बैंड्स दिए गए हैं, साथ ही साथ स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी है। इसके भी दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, पहला 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि आपको 15,499 का मिलेगा, और एक वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जो कि आपको 16,499 का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन की लिस्ट थी। इसमें कई सारे फोन्स मैंने आपको बताए हैं और जो इनके प्राइसेस है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑफर्स में ये आपको थोड़े कम प्राइसेस में भी मिल सकते हैं और बिना ऑफर के इनके प्राइसेस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक करना चाहते हैं या फिर इनको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी फ़ोन के बाय लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके और टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ज्ञान के साथ बने रहें।